हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, किसी भी आयोग द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा जब स्टेनोग्राफर की कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो हमेशा उस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए होने वाले स्किल टेस्ट को लेकर कुछ कॉमन से डाउट्स हमेशा आप लोगों को रहते हैं। तो आज का वीडियो उसी क्रम में RSM SSB स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट को लेकर है। इस वीडियो में आपके मैं सभी डाउट्स क्लियर करूंगा जो मोस्टली कॉमन होते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक डाउट समझ में आ सके, आपको परीक्षा देने से पहले सभी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। ठीक है, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो पे। देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं स्टेनो का, तो सबसे पहला डाउट होता है डिक्टेशन की टाइमिंग का। जो RSM SSB स्टेनोग्राफर की परीक्षा है, इसमें आपकी जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। इसमें हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर दोनों की वैकेंसी है। बहुत से लोगों को डाउट है क्या दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे? नहीं, इसमें दोनों टेस्ट आपको नहीं देने हैं, सिर्फ एक टेस्ट देना है, हिंदी स्टेनोग्राफी का या इंग्लिश स्टेनोग्राफी का। स्पीड दोनों की 100 ही रहेगी, 100 की रहेगी। नेक्स्ट डाउट आपका टाइपिंग फॉन्ट को लेकर रहता है। तो RSM SSB में जो हिंदी स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हैं उनको आपको कुर्ती देव फॉन्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कुर्ती देव फॉन्ट पे आपकी टाइपिंग होगी, जो भी आप डिक्टेशन लिखेंगे उसको कुर्ती देव फॉन्ट पे टाइपिंग करेंगे और इसके अलावा कोई और फॉन्ट नहीं मिलेगा। विज्ञापन में दे रखा है इसको, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट आपका मंगल इंस्क्रिप्ट वाले टाइपिंग है, तो आप लोग अभी समय है, अभी एक दो महीने बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है और 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट घोषित होने के, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ले लिया जाता है, तो आप मिनिमम मान के चलिए 4 महीने हैं। तो अगर आप कुर्ती देव टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल पे भी क्लासेस पढ़िए, अगर आपके नजदीक में कोई सेंटर नहीं है तो आप घर में भी टाइपिंग सीख सकते हैं, कुर्ती देव आप सीख लीजिएगा, ठीक है। कुर्ती देव टाइपिंग पे नहीं, तो ऐसा ना हो आपने स्टेनो में बहुत अच्छी स्पीड है लेकिन आपको टाइपिंग ही नहीं करनी आती तो आप वहां जाके सब कुछ बेकार हो जाए। तो टाइपिंग फॉन्ट आप समझ लीजिए, हिंदी वालों के लिए कुर्ती देव है, इंग्लिश वालों के लिए तो आप कोई डाउट ही नहीं, चाहे वो कोई भी लेकिन कैलिबर का फॉन्ट मिलता है तो इंग्लिश के लिए कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, सेम कीबोर्ड होता है तो फॉन्ट भी सेम ही रहता है, वो केवल दिखने में डिजाइन थोड़ी बदल जाती है, कीबोर्ड सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट आपका ये रहेगा कि मैटर किस टॉपिक पे आता है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सर RSM SSB में, देखिए पिछला क्या एग्जाम लिया, जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता देता हूं, चाहे RSM SSB का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम हो, कोई भी वैकेंसी का एग्जाम हो, आपका स्टेनो स्किल टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली डाउट यही रहता है, वो यही पूछते रहते हैं आप लोग कि किस पत्रिका से एग्जाम। अगर ये सब पता होता तो ये बताइए आप, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट उस पत्रिका को ही पूरी प्रैक्टिस करके ना चला जाता। किसी भी वैकेंसी में आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, किसी भी पत्रिका से आपको मैटर बोला जाएगा। अगर बोला जाता है तो ये अच्छी बात है, आपको फंस जाता है, उस मैटर टॉपिक का आ जाता है जिसको आपने प्रैक्टिस कर रखा है, एक अच्छी बात है। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मान के ना चले, आप जिस तरीके से हिंदी भाषा आपने सीखी है उसी तरीके से आपने शॉर्ट हैंड सीखी है, शॉर्ट हैंड सीखी है तो आपको प्रत्येक शब्द हिंदी के प्रत्येक शब्द को, चाहे आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं तो आप इंग्लिश के प्रत्येक शब्द को किस तरीके से उसकी आउटलाइन ड्रा की जाएगी, एक गति, समय गति जो होती समय के अंदर, उस समय अवधि के अंदर उस शब्द की आउटलाइन ड्रा करने की कला आपको आनी चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर हैं। आप किसी टॉपिक को लेकर बैठे, किसी मैगजीन को, पत्रिका को लेकर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी आधी अधूरी है। हो सकता है आप जैसे कॉमन एग्जाम होता है SSC का, एक है बहुत स्किल टेस्ट नॉर्मल रहता है तो आप उसको क्वालिफाई कर ले जाएं, लेकिन 70% आपके जो स्टेनोग्राफी के टेस्ट लेते हैं वो बहुत ही अच्छा मैटर बोला जाता है और बना के बोला जाता है। तो आपको उसमें शब्द जो मिलेंगे वो आपकी पत्रिका के भी शब्द होंगे, डेली रूटीन भी शब्द होंगे, कोई हाल फिलहाल में कोई घटना चली होगी, घटना हुई होगी उससे संबंधित टॉपिक आ सकता है, कोई प्राकृतिक विपदा से संबंधित टॉपिक आ सकता है, जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना के समय की जो भी आउटलाइन बनती है उसका भी समय आ सकता है। तो अब मैं आपसे बताना ये चाहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पत्रिका की करें एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस, इसके साथ में आप न्यूज़पेपर की एक डिक्टेशन डेली करें,
इसके अलावा मैं चैनल पे समय समय पर आपके वीक में एक या दो बार कुछ ऐसी डिक्टेशन देता हूँ जो मिक्स में बना के देता हूँ। आप चैनल पर रेगुलर बने रहे और चैनल पर उपलब्ध की जाने वाली सभी डिक्टेशन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब एग्जाम शॉर्ट हैंड का देने जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने कोई शब्द ऐसा आ गया था या पूरा टॉपिक ही ऐसा आ गया था जिसके बारे में मैंने कभी इस तरीके के शब्द ही प्रैक्टिस नहीं किए थे। हर एक डिक्टेशन में आपको दो चार शब्द तो बिल्कुल नए मिलेंगे, तो आपको उस टाइम को मेंटेन करना होता है कि अगर कोई ऐसा शब्द नया आ जाता है जिसने जिसकी आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है तो आप उसको बना सकें, तो आपको उतना टाइम स्पीड लेके चलना होता है। तो उसके लिए आपको समय मतलब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी पेड डिक्टेशन विद आउटलाइन के साथ परचेज कर सकते हैं, थोड़ी सी फीस लेनी पड़ेगी लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी स्पीड गारंटी के साथ बढ़ जाएगी। आप 100 प्लस नहीं 120 प्लस आपकी स्पीड हो जाएगी 3 से 4 महीने में। अगर आपकी अभी भी आपको डाउट लग रहा है कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और आपके अच्छे नंबर हैं तो आप तुरंत संपर्क कर लीजिए, बिल्कुल भी देर ना कीजिए, ठीक है। तो आपका फॉन्ट से रिलेटेड डाउट, टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड डाउट हो गया। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा डाउट आता है, मिस्टेक कितनी मार्क होती है। देखिए मैं आपको एक सीधे सिंपल से बता दूं कि ज्यादातर मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं वो आपके 5% गलतियां माफ करते हैं। अगर 1000 शब्द बोले जाएंगे तो आप मान के चलिए कि 50 गलतियां ही आपकी माफ होंगी। सुनने में आ रहा है कि 10% गलतियां माफ होंगी लेकिन ऐसा कहीं अभी लिखित में नहीं है, ना ही कोई विज्ञापन जारी किया गया है। हो सकता है जब बोर्ड द्वारा जब रिजल्ट आपका घोषित किया जाए तो स्किल टेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि 10% आपकी गलतियां माफ होंगी। कुछ लोग इसी चक्कर में हैं और अपनी तैयारी को आधे अधूरे ढंग से कर रहे हैं, तो तैयारी आधे अधूरे ढंग से ना करें, तैयारी पूरी करें। अपने माइंड को इस तरीके से मेकअप कर लें कि 5% गलतियां ही माफ होंगी और आप 5% के अंदर लेके चलेंगे तभी आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें आपको नंबर मिलेंगे और जितनी कम गलतियां आप करेंगे उतने ही अधिक आपके नंबर होंगे। तो आप इस चीज को समझिए, नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे ये भी कहीं नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है। हाँ ये जरूर दिया गया है कि आपको मिनिमम सेकंड फेज में आपको मिनिमम 36 नंबर लाने अनिवार्य है। ये 36 नंबर कैसे आएंगे इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो और आप अपनी स्किल की जो प्रिपरेशन करें वो इस आधार पे करें कि आप ये मान के चले कि 1000 वर्ड में मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 गलतियां करनी है, तभी आप एक अपने आप को परफेक्ट स्टेनोग्राफर समझें और आप ये माने कि आपकी स्टेनो की तैयारी है। अगर आप पूरी 100 का टारगेट लेके चलते या 50 का टारगेट लेके चलते तो आप ये समझ लीजिए कि आप अधर में हैं, तुक्के में ही एग्जाम पास कर जाएं तो कर जाएं। देखिए मैं थोड़ा शब्दों का चयन कर रहा हूं तो आपको बुरा ना लगे लेकिन वास्तविकता यही है, लोगों के माइंड में यही आ जाता है कि 5% गलतियां हैं 10% माफ है तो 100 गलतियां कर ले जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। पास तो हो जाओगे भैया लेकिन नंबर अगर कम आ गए तो मेरिट में आ पाओगे, नहीं आ पाओगे तो ये गलती ना करें, दोहराए नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फॉन्ट मिस्टेक और डिक्टेशन की टाइमिंग को लेकर, और हाँ समय कितना मिलेगा आपको बता दूं ये भी टाइपिंग करने के लिए, हिंदी वाले स्टेनोग्राफर के लिए 70 मिनट है और इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर के लिए 60 मिनट का है। आपका 10 मिनट की डिक्टेशन होगी वो भी इसमें इंक्लूड समय है, ठीक है। तो आप इसी आधार पे अपनी टाइपिंग कीजिए। आपको मैं बता दूं अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इस समय सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो आप जब डिक्टेशन आप डेली टाइप करते हैं तो उस डिक्टेशन को टारगेट लेके चलिए 1000 शब्दों को आप 40 मिनट में टाइप करें, ठीक है, चाहे हिंदी वाले हों चाहे स्टेनो इंग्लिश वाले हों, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा मार्जिन लेके चलेंगे, समय को पूरा लेके चलेंगे तो वहां पे आपकी डिक्टेशन छूट जाएगी। आप जब 10-20 मिनट पहले टाइप करने का प्रयास करेंगे तब आप समय से वहां, क्योंकि थोड़ा प्रेशर होगा आपके ऊपर तो वो प्रेशर अपने ऊपर हावी ना होने दें, अभी से आप उस समय को मार्जिन लेके चलें, 40 मिनट के अंदर अंदर टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट स्टेनो की तैयारी करता है उसकी स्पीड 40 प्लस ही होती है टाइपिंग में, ठीक है। तो आप ये मान के इसमें स्टेनो में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ स्टेनो को टाइप करके देना है जो निर्धारित समय उस अवधि के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स आपके स्किल टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें और अपने सभी मित्रों के साथ में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगर कोई आपका फ्रेंड स्टेनोग्राफी करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी संपर्क कर सकता है। बहुत ही कम फीस पे आपकी अच्छी तैयारी शॉर्ट हैंड की करा दी जाएगी। आप रिटर्न अपना पढ़ें, स्किल की तैयारी मैं आपकी करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।